हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ज्ञानमुख चैनल में। दोस्तों आज आपको बताऊंगा आयुष्मान कार्ड कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे बनाते हैं दोस्तों, और इस कार्ड के फ़ायदे क्या क्या हैं। दोस्तों ये तो आप सभी जानते होंगे, इस कार्ड से 5 लाख तक का इलाज सरकार फ्री ऑफ कॉस्ट कराती है। जो हॉस्पिटल इसके अंदर आते हैं, आप उस किसी भी हॉस्पिटल में जाकर 5 लाख तक का इलाज मुफ्त करा सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आपको सबसे पहले उस वेबसाइट पर ले चलता हूँ जहाँ से आप अपना आयुष्मान कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आपको दोस्तों सबसे पहले अपना कोई भी एक ब्राउज़र ओपन कर लेना है। मैंने ये अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लिया है। दोस्तों देख लीजिए, हम जो सर्च बार में लिखना है setu.pmjay.gov.in लिख कर आप दोस्तों एंटर कर देंगे। देख लीजिए आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो होने लगेगा। थोड़ा नेट स्लो है दोस्तों। दोस्तों देख लीजिए आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होने लगेगा। आपको देख लीजिए राइट साइड में रजिस्टर एंड साइन का ऑप्शन आ रहा है, आप इस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों ये दो प्रकार से लॉगिन होता है, एंटर योर मोबाइल नंबर CSC कनेक्ट। अगर आप CSC VLE हैं तो आप CSC कनेक्ट पर क्लिक करेंगे। दोस्तों मैंने CSC VLE पर कनेक्ट कर दिया। उसके बाद अपने यहाँ पर CSC ID डाल देंगे, पासवर्ड डाल देंगे और नीचे कैप्चा देकर इसको एंटर कर ले। तो दोस्तों देख लीजिए मेरी जो आईडी है PMJAY वाली, वो लॉगिन हो गई है। दोस्तों बता दूं आपको ये पहले, तो दोस्तों आपको बता दूं BIS पोर्टल 1.0 था पहले, अब ये गवर्नमेंट ने न्यू पोर्टल लॉन्च कर दिया है। अब BIS 2.0 पोर्टल लॉन्च कर दिया दोस्तों। दोस्तों अब जो न्यू पोर्टल है वो BIS 2.0 पोर्टल है। तो आपको जो भी आप सीखेंगे आप 2.0 पर सीखेंगे दोस्तों। देख लीजिए इस प्रकार का ओपन होगा। उसके बाद आप यहां से, तो आप दोस्तों देख लीजिए दूसरे नंबर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, PMJAY कंसोलिडेट डाटा पर क्लिक करेंगे, बेनिफिशियरी सर्च बाय विलेज टाउन इस पर क्लिक कर दीजिए। दोस्तों देख लीजिए कुछ इस प्रकार का ओपन होने लगेगा। ये सिलेक्ट स्टेट, आप जिस भी स्टेट से हैं उस स्टेट को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। देख लीजिए दोस्तों मैंने महाराजगंज सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आप जिस ब्लॉक से हैं आप अपना वो ब्लॉक, आप ब्लॉक भी सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो आपका विलेज है, गांव है, या जो भी आप रूरल अर्बन से हैं, शहर से, आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे ये लिस्ट पूरे ही गाँव की, पूरे विलेज की लिस्ट शो होने लगेगी। देख लीजिए दोस्तों नीचे इसमें आ रहा है टोटल 500 बेनिफिशरी हैं, इसमें 500 लाभार्थी हैं इस गाँव के अंदर, इस विलेज में। तो दोस्तों जो इस लिस्ट के अंदर हैं आप उन्हीं का आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं। तो दोस्तों आपको डाउनलोड करना बता देता हूँ, आप आयुष्मान कार्ड डाउनलोड कहाँ से करेंगे। देख लीजिए नीचे लिख रहा है डाउनलोड एंड डिलीवरी, आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद लिख रहा है डाउनलोड आयुष्मान कार्ड, इस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आप जिस स्टेट से हैं आप वो स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। लिखा हुआ रहा है डाउनलोड आयुष्मान कार्ड सेलेक्ट स्टेट, देख लीजिए आप इस पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों जैसे मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद आधार पर क्लिक करना है आपको। यहाँ पे आप आधार नंबर दे देंगे, जो भी आपका आधार नंबर है XYZ। उसके बाद ये आपसे मालूम करेगा आप OTP के जरिए डाउनलोड करना चाहते हैं, फिंगर के, या आयरिस के, या फेस के। आपके पास जो भी मेथड है आप उससे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मुझे OTP के जरिए करना है तो मैं आधार नंबर देकर यहाँ पर OTP दे दूँगा। उसका OTP फिल करते ही मेरा जो आयुष्मान कार्ड डाउनलोड हो जाएगा।